सारे मीडिया ने देखा, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा और प्रिंट मीडिया ने देखा कि भारत भूषण आशू पूरे गुंडागर्दी से उतरिया होया और सारे अफसरों थ्रैट कर रहा है, सारे वर्करों थ्रैट कर रहा है, सारे पब्लिक के लोगों थ्रैट करता जिहड़ा असली चेहरा का हुण नंगा होया, जो लोगों ये शराफत की झलक नज़र आती सी ते असी कहिंदे सी इह गुंडा ते लोग मानते नहीं सी, पर हुण लोगों अहसास हो गया भी वाकई ये गुंडा। असी जिथे तक भी जाना पिया लोगों के इंसाफ लई, पब्लिक के इंसाफ लई, मुलाजमान के इंसाफ लई, जिस मुलाजम नूं थ्रैट करूगा, जिस पब्लिक के बंदे नूं किसे नूं थ्रैट करूगा, जिस दे नाल धक्का करन दी कोशिश करूगा, असी उत्थे तक जावां। जे वह कहते काम च विघन पा रहे सी, सेम इनक्वायरी उन्होंने एडीसी ने की, बई वह भी पंजाब सरकार का नुमाइंदा है, तो फिर काम च विघन की होया, अज प्रोजेक्ट बंद क्यों पी है पिया, सरकार ने क्यों बंद किया, इस करके बंद किया भी इनक्वायरी सही सी, जो इनक्वायरी सही सी तो फिर वो ये गल क्यों कह रहा है भी तू इंटरफेयर न कर, तेनों समझाता कि इस मुद्दे के तू इंटरफेयर नहीं करना, तो वह की मतलब है वो भारत भूषण आशू भी दस सकता है, तो फिर वो क्यों कह रहा भी तेनों असी मिध के रख देंगे, जिनी तेरी मदद करते सी तेतों तू जानता नहीं, असी तेनों मिध देंगे, यदा मतलब की है भारत भूषण आशू जान। सिमरजीत सिंह बैंस से भी उन्होंने शेखो डीएसपी शेखो ने इल्जाम लाए थी, सिमरजीत बैंस का भी यही कहना है कि जो डीएसपी शेखो है कि ना कि गलत सी और जानबूझ के मानसिक तौर पर परेशान सी, की कहना चाहो? जे डीएसपी शेखो बात गलत है उत्ते कार्रवाई कर दियो, जे भारत भूषण आशू गलत है उत्ते कार्रवाई कर दियो, ना तो साडा डीएसपी शेखो रिश्तेदार है ना भारत भूषण आशू रिश्तेदार है, असी कहने भी जिहड़ा बंदा लॉ एंड आर्डर नूं खराब करता है उत्ते कानूनी कार्रवाई कर दियो, जे शेखो ने दरखास्त दित्ती डीजीपी साहब नूं उहदी कार्रवाई क्यों नहीं की, डीजी साहब ने शेखों के उत्ते करती मंत्री के कहने पर, जिहड़ी शेखों ने दित्ती उहदी कार्रवाई क्यों नहीं की, उहदे बारे डीजीपी साहब दस्सण। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੋਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਡਰਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ।